हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करेले की एकदम नई तरीके की अमेजिंग रेसिपी, जिसको अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो करेले आपके हमेशा के लिए फेवरेट बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये उंगलियाँ चाटने को मजबूर कर देने वाली सब्ज़ी को लाइक, शेयर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर जी। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, इसको मैंने छील लिया है, धो लिया है, और इसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट देना है। तो रफली हम इसको चॉप कर देंगे। तो मैंने इस तरह से चार पीस इसके कर लिए हैं, और इसके बाद मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने अच्छे से धो के, और इनको हम ऊपर से इस तरह से कट लगा देंगे, और इनको भी हम यहाँ पे कढ़ाई पे रख देंगे। तो ऐसे ही मैंने दो टमाटर यहाँ पे ले लिए हैं, और चार मैंने यहाँ पे लिए हैं करेले। तो ये मीडियम साइज़ के करेले हैं, और इनको हम इनका छिलका हम नहीं उतारेंगे। तो छिलका हम इस तरह से ही इनका रहने देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों दो लाल मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन लाल मिर्ची ली है। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच जो है यहाँ पे चीनी डाली है, और नमक डाला है आधा चम्मच। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर पानी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पानी। तो 2 कप पानी काफ़ी है, और अब हम इसको ढक के कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो इसे हमें एकदम गलाना नहीं है, खाली हल्का 60% तक ही हमें इसको पकाना है। तो अब हम इनको जो है गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, और इन सब को हम जो है निकाल देंगे, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो जो हम प्यूरी बनाएंगे तो उसमें हम इस पानी का यूज कर सकते हैं। ये सारी सब्जी दोस्तों मैंने इससे निकाल दी है, और सब्जी को अब हम इस तरह से एक छन्नी में रख लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो ये हमारे जो करेले हैं वो ठंडे हो चुके हैं, और अब इस तरह से हम इसको आगे और पीछे से थोड़ा सा कट कर देंगे, और फिर इसको बड़े बड़े पीस में हम कट करेंगे। तो इतने साइज़ के पीस हम इसके कट कर देंगे, और अंदर जो इसके जो बीज होते हैं उनको भी हम निकाल देंगे। तो ये आराम से निकल रहे हैं क्योंकि हमने इनको बॉईल कर दिया है, और इनको हमें आधा ही सिर्फ पकाना है। इस तरह से जितने भी करेले दोस्तों हमारे हैं, हम सब के जो है बीज को निकाल देंगे, और इसकी बाहर की स्किन को हम नहीं निकालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये सब्जी होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और जल्दी से बन जाती है, और आप फिर इसको हमेशा ही ऐसे ही बनाओगे। बहुत स्वादिष्ट होती है, घर में सबको ये सब्जी जो है बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हम सारे करेलों को जो है काट देंगे, और करेले जो हैं वो हमारे सारे ही कट चुके हैं, और जो हमारे टमाटर, प्याज और लहसुन था उसकी हमने प्यूरी बना दी। तो इस तरह से हम एक फाइन पेस्ट उसका बना देंगे, और अब हम चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने फिर से रख दिया वही कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उसको डालिए। तो मैंने यहाँ पे जो है 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसको हम खूब अच्छे से पहले गर्म कर देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब दोस्तों हमने जो करेले काटे थे अब हम उनको इस पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप ज़्यादा तेल ले सकते हैं, और सैलो फ्राई में भी सारे करेले हमारे अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने सारे ही करेले इसमें डाल दिए हैं, और अब हम जो है गैस की फ्लेम को कर देंगे लो, और इसको हम करेंगे फ्राई। तो जो करेले हैं वो हमारे जो हैं आधा तो पहले से ही कुक हो रखे हैं, तो ये ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और 3 से 4 मिनट में हमारे सारे जो करेले हैं वो अच्छे से
फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से हर तरफ से हम इसको अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से जो हमारा करेला अच्छे से फ्राई हो जाए। दोस्तों ये हमारा जो करेला है वो अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है और अब हम इसको निकाल देंगे अलग से एक बर्तन में। तो तेल की क्वांटिटी काफ़ी है तो मैंने थोड़ा सा तेल को अलग निकाल दिया था। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हींग लगभग 2 चुटकी के करीब, और एक तेज पत्ता मैंने इस पे डाला है। आप इसमें बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह भी डाल सकते हैं पर मैंने वो नहीं डाला है। और इनको हम थोड़ा सा 1 मिनट चलाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज है उसको बारीक चॉप किया है, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ये हो जाए उतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये प्याज हमारा भून चुका है तो इसे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे सूखे मसाले। तो ये मैंने 1 चम्मच भर के जो है धनिया पाउडर डाला है और इसी में मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच जो है जीरा पाउडर भी डाल दिया था। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो ये रेगुलर वाली लाल मिर्ची है, आप अपने हिसाब से तीखा जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है सौंफ का दरदरा कूटा हुआ पाउडर। तो सौंफ के पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो थोड़ा बहुत करेला का कड़वाहट होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो सौंफ में जो ये सौंफ का सॉरी करेले में सौंफ का पाउडर जो है बहुत टेस्ट अच्छा देता है। साथ में मैंने जो टमाटर प्याज और लहसुन की प्यूरी बनाई थी उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जो मसाले हमारे वो सूखे मसाले वो 1-2 मिनट में ही अच्छे से भून जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर वाली प्यूरी और इसको भी हम दोस्तों अच्छे से भूनेंगे जब तक ये है तेल न छोड़ दे। तो काफ़ी हमारा मसाला पक चुका है और अब 2 से 3 मिनट हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। तो दोस्तों सब्जी को हमें थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनानी है, सूखी सब्जी हमें नहीं बनानी है तो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा कप पानी ही लिया है। तो आपको जितनी भी अपनी जो सब्जी की ग्रेवी पतली रखनी है आप उसके हिसाब से ही पानी डालिए। और ये 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाल दिया कसूरी मेथी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है हमारी करेले की सब्जी में। हरे धनिए का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक को हमने जब सब्जी को बॉईल किया था तब भी डाला था तो नमक को थोड़ा आप ध्यान से ही इसमें डालिए। और अब जो हमने करेले फ्राई किए थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे ताकि जो करेला है वो अच्छे से जो है मसाले को एब्जॉर्ब कर ले। तो ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से जो है पक के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों सब्जी एकदम तैयार है, बस थोड़ा सा इसको और हम पका देंगे। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। और अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सब्जी बन के रेडी है दोस्तों। तो आपको मेरी सब्जी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।